एसएस राजामौली और महेश बाबू की फिल्म एसएसएमबी 29 का इंतजार किया जा रहा है। ये पिक्चर उतनी ही आगे खिसकती जा रही है जितना हम इसका इंतजार कर रहे हैं। पिछले कई महीनों से सुनने में आ रहा था कि सितंबर से इसकी शूटिंग शुरू की जाएगी, मगर अब पता चल रहा है कि इसकी शूटिंग को 3 से 4 महीनों के लिए फिर से टाला जा सकता है। क्यों, क्या है इसके पीछे की वजह, आइए जानते हैं। टाइम्स नाउ की रिपोर्ट के मुताबिक राजामौली महेश बाबू के साथ इस फिल्म के लिए कई तरह की वर्कशॉप्स कर चुके हैं। सिर्फ यही नहीं, क्रू मेंबर्स के साथ भी वो कई तरह की मीटिंग्स कर चुके हैं ताकि फिल्म को किस तरह से ट्रीट किया जाना है इसकी जानकारी वो दे सके। जिस तरह से फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम चल रहा था, ये कहा जाने लगा था कि सितंबर से पिक्चर की शूटिंग जोर शोर से शुरू हो जाएगी, मगर रिपोर्ट्स की माने तो राजामौली फिल्म को फ्लोर पर लाने से पहले पुख्ता तैयारी कर लेना चाहते हैं ताकि फिल्म के बनने के बाद या उसकी शूटिंग के दौरान किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। टाइम्स नाउ के मुताबिक राजामौली इन दिनों फिल्म के डिज़ाइन, इसकी विजुअलाइजेशन के लिए भी तरह तरह की तैयारियां कर रहे हैं। टाइम्स नाउ ने सोर्स के हवाले से खबर छापी जिसमें बताया गया सारी चीज़ें खांचे में फिट होने के लिए अभी 2 से 3 महीने का समय और लगेगा। सोशल मीडिया पर राजामौली का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। वैसे तो ये किसी प्रमोशनल वीडियो जैसा है जिसके अंत में लोग उनसे एसएसएमबी पर अपडेट मांगते हैं, मगर कुछ कहने के बजाय राजामौली उन लोगों पर डंडे मारने की तैयारी करने लगते हैं। खैर, राजामौली एक्टर्स की कास्टिंग और प्री प्रोडक्शन के काम में लग गए हैं। पिंक विला की रिपोर्ट के मुताबिक राजामौली और महेश बाबू की 1000 करोड़ी फिल्म के विलन पृथ्वीराज सुकुमारन होंगे। राजामौली पिछले काफ़ी वक्त से पृथ्वीराज से बातचीत भी कर रहे थे। पृथ्वीराज पिछले दिनों अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ स्टारर फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ में नेगेटिव रोल में दिखाई दिए थे। राजामौली की पिछली फिल्म आरआरआर की सफलता को देखते हुए कई इंटरनेशनल स्टूडियोज ने उनके साथ कोलैबोरेट करने में दिलचस्पी भी दिखाई है। इसमें डिज्नी और सोनी जैसे बड़ी प्रोडक्शन कंपनियों के नाम भी शामिल हैं। राजामौली भी किसी विदेशी स्टूडियो के साथ ही ये फिल्म बनाना चाहते हैं क्योंकि इससे उन्हें इंटरनेशनल टेक्नीशियन और क्रू को फिल्म के साथ जोड़ने में आसानी होगी। SSMB 29 एक जंगल एडवेंचर बताई जा रही है जिसे इंडियाना जोन्स जैसी हॉलीवुड फ्रेंचाइज के तर्ज पर बनाया जाएगा। इस फिल्म में महेश बाबू का किरदार भगवान हनुमान से प्रेरित बताया जा रहा है। इसके अलावा कहानी में रामायण के और भी कई सारे रेफरेंस रखे गए। राजामौली 2 साल तक इस फिल्म की शूटिंग करेंगे। ये फिल्म 2027 से पहले रिलीज होती नजर नहीं आ रही। ये जानकारी आपके लिए जुटाई है मेरी साथी मेघना ने। मैं खुशी, आप देख रहे हैं ललन टॉप सिनेमा। शुक्रिया।